नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, अभिवादन है, नमन है। आज हम आए केप टाउन के एक सबब में जिसका नाम है समरसेट वेस्ट। तो यहाँ पे शादी की इनिशियल रिचुअल्स होनी है। हमने एक एयरबीएनबी हायर कर लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एयरबीएनबी जो हमने हायर किया उसकी एक टूर देता हूँ और फिर साथ में देता हूँ हमारी जो रिचुअल्स है उसकी ग्लिम्प। तो जुड़े रहिए मेरे व्लॉग के साथ। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करता हूँ आज का व्लॉग। बहुत ही इजी इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेकिंग प्रोसेस के बाद हमारा कज़िन जो हमें लेने आया था उसके साथ हम निकल पड़े थे हमारा एयरबीएनबी जो हमने हायर किया है शादी के लिए वहाँ पहुँचने के लिए। तो साउथ अफ्रीका के बारे में बहुत कुछ सुना है। मेरे सामने देखिए टेबल माउंटेन का बैक पोर्शन है। तो साउथ अफ्रीका के लिए हमने बहुत सुना है, इन पर्टिकुलरली केप टाउन की बहुत रिस्की सिटी है, बहुत डेंजरस सिटी है, बहुत अकेले घूम नहीं सकते, बाहर निकल नहीं सकते। लेकिन फर्स्ट ग्लिम्स मेरा बहुत ही अलग रहा। ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट सिटी बोला जाता है और बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी बोला जाता है। तो रियली आप मेरा एक क्लिप देख रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, बहुत ही अच्छे रोड है, बहुत ही डिसिप्लिन रोड ट्रैफिक है, बहुत ही ग्रीनरी है और आउटस्कर्ट में तो पूरे ग्रेप्स के बागान और फ्रूट्स के बागान है। तो माउंटेन से घिरा हुआ ये सिटी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ काफ़ी दिन तक रहने वाला हूँ शादी के बाद भी, तो पूरा सिटी और उसके सराउंडिंग में एक्सप्लोर करूँगा। लेकिन सबसे पहले चलते हैं हमारे एयरबीएनबी पे, थोड़ा रिलैक्स करते हैं और फिर आगे का व्लॉग वहीं से कंटिन्यू। तो हम आ पहुँचे हमारे एयरबीएनबी पे जो कि समरसेट वेस्ट में 50 किलोमीटर फार फ्रॉम द मेन सिटी। चलिए एक्सप्लोर करते हैं सीधा हमारे ये डेस्टिनेशन को। ऑटोमेटिक रिमोट ऑपरेटेड गेट है जो कि सेफ्टी के लिए है। इलेक्ट्रिक फैंस लगी हुई है सराउंडिंग में ताकि रिस्क न रहे। और ग्राउंड प्लस 3 का 7 बेडरूम का अटैच बाथरूम वाला यह बिल्डिंग है जिसमें मल्टीपल पार्किंग की फैसिलिटी है। पीछे सर्वेंट क्वार्टर्स भी दिया गया है ताकि वहाँ पे सर्वेंट रह सके और हमारी सर्विस कर सके और एयरबीएनबी को मैनेज कर सके। ये है ग्राउंड फ्लोर से बाहर का व्यू जहाँ पे एक छोटा सा रेस गार्डन भी है। और अब चलिए अंदर चलते हैं। पहला बेडरूम, ट्विन डबल बेड, बिग ग्लास विंडो, बाहर के नज़ारे की लुफ्त उठाने के लिए। सेकंड रूम जो कि ट्विन बेड के साथ और अटैच बाथरूम के साथ। और यह है बाथरूम, फुल फ्लेज, फुल साइज बाथटब, शावर पैनल एंड हीज एंड हर वॉश बेसिन, एकदम से मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। चलो फर्स्ट फ्लोर पे चल के एक्सप्लोर करते हैं। इनिशियल रिचुअल्स की सब प्रिपरेशन शुरू हो गई है ये देखिए। और सबसे पहले हम प्रणाम नमन करते हैं हमारे स्वर्गीय अंकल शिरीष काका को जिनकी बेटी की शादी की ये ओकेजन है। ब्राइड को मेहंदी लगाने का काम शुरू हो गया है, प्रोफेशनल मेहंदी लगाने वाले हैं, तो बहुत ही प्रिसीजन से काम करते हैं, बहुत ही फाइन लाइन काम हुआ है। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मेहंदी लगाई जा रही है और बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही प्रिसीजन वर्क। और सारे कजिन की ड्यूटी लगी है ब्राइड की हेल्प करना और उसकी खातिरदारी करना, तो लगता है बहुत अच्छी तरह से हो रही है उसकी खातिरदारी। तो चलिए एयरबीएनबी की बाकी के टूर भी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक और बेडरूम, ट्विन बेडरूम, बढ़िया सा टीवी, फुल फ्लेज फैसिलिटी। एक और बेडरूम सिमिलर काइंड और सिमिलर फैसिलिटी के साथ। बाथरूम विद मॉडर्न शावर पैनल, फुल फ्लेज बाथटब एंड हिज एंड हर वॉश बेसिन एज यूजुअल। और चलिए अब हम पीछे से ऊपर चलते हैं, सर्वेंट क्वार्टर्स को देखते हैं और टेरेस को देखते हैं और टेरेस से सराउंडिंग का व्यू लेते हैं कि कैसे एरिया में हम लोकेटेड हैं। यहाँ पे नीचे सर्वेंट क्वार्टर्स है।
और ये है टेरेस। टेरेस से आप सराउंडिंग का व्यू देखिए, बहुत ही लश्करी माउंटेन से गिरा हुआ और बहुत ही ब्यूटीफुल। और ऊपर एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, चलिए एक्सप्लोर करते हैं स्विमिंग पूल को। 5 फीट, 20 फीट और 10 फीट का ये स्विमिंग पूल है, 5 फीट डेप्थ है, मस्त है। लेकिन ये है टॉप व्यू से नजारा सराउंडिंग्स का। अब देखिए 12 एपोस्टल माउंटेन रेंज है जिसने केपटाउन को घेरा हुआ है। एक तरफ ओशन है, एक तरफ माउंटेन रेंज है और बीच में लश ग्रीन और बहुत ही क्लीन और वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटीफुल सिटी केपटाउन है। और ये है हेल्डरबर्ग पीक जिसके नीचे समरसेट वेस्ट टाउन बसा हुआ है। अड़ोस पड़ोस के विलास जो भी बहुत बड़े हैं और मेरे हिसाब से सारे विलास एयरबीएनबी के लिए ही बनाए गए हैं ताकि टूरिस्ट आ सके और ये जगह को एक्सप्लोर कर सके। और ये दूर जो सामने दिख रहा है, दूर एकदम, वो है स्ट्रैंड टाउन, केपटाउन का एक सबब, बहुत ही ब्यूटीफुल है। उसका बीच बहुत बढ़िया है, अटलांटिक ओशन से जुड़ा हुआ है। उसके आगे जो दिख रहा है वो अटलांटिक ओशन है। तो ये अब हम जा रहे हैं टॉप फ्लोर के अंदर से दूसरे रास्ते से। तो ये हमें दिख रहा है मल्टी यूटिलिटी रूम। हर एक फ्लोर पे ऐसा एक बड़ा सा टेरेस दिया गया है, बहुत ही यूज, जो कि मल्टी यूटिलिटी के लिए है। आप उसका बहुत ही अच्छी तरह से यूज कर सकते हो एंजॉयमेंट के लिए। देखिए बहुत ही बड़ा और यूज है, पूरा का पूरा फ्लोर कवर किया हुआ है। अब हम अंदर चलते हैं नीचे फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे एक बड़ा सा सिटिंग रूम मल्टी हाइट का और हमारा किचन। तो ये है पूरा सिटिंग अरेंजमेंट सिटिंग हॉल का। और यहाँ ये ऊपर से हम नीचे आए थे, ये ऊपर यूटिलिटी हॉल है जहाँ पे हमारा रिचुअल्स होना है। और ये है पूरा किचन जो कि अभी पूरा सेट नहीं हुआ है, सेट कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे भी, ये फ्लोर पे भी एक बहुत बड़ा सा टेरेस दिया गया है जिसमें डाइनिंग टेबल की भी फैसिलिटी है, स्नूकर टेबल भी है और एल शेप में है, ताकि आप जो भी बाहर का जो सराउंडिंग है ना, वहाँ का आप कोई भी एंगल से आप उसका नज़ारे का लुत्फ़ उठा सकते हो। हमारी ऑफिशियल हल्दी रस्म के बाद सब कजिन्स लोग इकट्ठा हो गए एक फन फील एक्टिविटी के लिए और मेजोरिटी तो फोटोशूट के लिए। तो सब कजिन्स बारी बारी से फोटो खिंचवाएंगे और थोड़ा फन फील एक्टिविटी करेंगे। तो एंजॉय कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए ये फन फील एक्टिविटी में। फिर से एक बार केप टाउन के समरसेट टाउन का एक नजारा। अंदर गृह शांति की पूजा शुरू हो गई है, तो चलिए जुड़ जाते हैं और एंजॉय करते हैं।
इसी के साथ मैं आज का व्लॉग को यहीं पे रखता हूँ। आशा करता हूँ आपका मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए फिट रहिए, खुश रहिए और मेरा व्लॉग देखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।